कहानी के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर सड़क के बीच धीरे से अपनी आंखें खोलता है। बारिश हो रही है और ठंड की वजह से उसकी अवस्था कुछ ठीक नहीं है। उसे लगता है कि वह मर रहा है क्योंकि उसका शरीर अब उसके बस में नहीं है। तभी एक सुंदर लड़की उसके पास आती है और उसे अपने हाथों से उठाते हुए कहती है कि आज से तुम मेरे पेट हो। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह बारिश से उसे बचाते हुए धीरे धीरे अपने घर ले आती है। वह फिर से उस लड़की के चेहरे को देखता है। उसे लगता है कि उसने इस लड़की को कहीं तो देखा है। तभी उसे याद आता है कि अरे ये तो उसकी क्लासमेट केरन है, पर उसने मुझे पकड़ कर क्यों रखा है। वह घबरा जाता है। वास्तव में केरन उसकी क्लासमेट के साथ साथ क्रश भी है जिसके वह सपने देखा करता है। बारिश में भीगने की वजह से केरन के अंदरूनी कपड़े दिखने लगते हैं जिस पर से वह अपनी आंखें हटा लेता है। घर जाकर केरन उसे देखकर एक लंबी मुस्कान भरती है। उसे देखकर वह सोचता है कि मुस्कुराते हुए केरन कितनी अच्छी लगती है। तभी पीछे से कोई केरन को बुलाता है। इसे सुनते ही केरन का चेहरा थोड़ा सा बदल जाता है। ये उसकी माँ है। केरन की माँ हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है तो तुमने एक मरते हुए पप्पी को बचाया है लेकिन तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना होगा। केरन कहती है कि मैं इसे अपने साथ नहाने ले जा रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर यह सब सुन रहा है। उसे लगता है कि शायद केरन ने किसी पप्पी को बचाया है, पर ठंड की वजह से उसका इतना बुरा हाल है कि वह बेहोश होने की स्थिति में है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को केरन के साथ बाथरूम में पाता है। वो बिल्कुल से चौंक जाता है। केरन धीरे धीरे अपने वस्त्र उतार रही है। हमारा मूल पात्र यह सोचने लगता है कि केरन मेरे सामने ये क्या कर रही है, पर वह इतना निर्लज्ज नहीं है कि वह यह सब देखे। वह बड़ी मुश्किल से उस पर से अपनी नजर हटाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आंखें उसे इसकी इजाजत नहीं देती। वह उसे देखने में मजबूर हो जाता है। फिर केरन उसे आईने के करीब ले जाकर बैठ जाती है। जब हमारा मूल पात्र आईने में अपना चेहरा देखता है तो वह चौंक कर दंग रह जाता है क्योंकि वो एक कुत्ता बन गया था। फिर केरन उसे अपने पैरों के बीच दबाकर उसे अच्छी तरह से नहलाने लगती है लेकिन उसकी पूंछ काम बिगाड़ रही थी। गर्म पानी से नहाने के बाद अब हमारा मूल पात्र काफी अच्छा महसूस कर रहा था लेकिन केरन को नहाते हुए देख वो फिर से दिल और दिमाग वाले धर्म संकट में पड़ जाता है। वो यह नहीं चाहता कि केरन उसे ठड़की समझे, इसीलिए वो बाथरूम की बाकी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है। वो बहुत असहाय हो गया है। तभी केरन उसे उठाकर अपने सामने ले आती है और उसे क्यूट कहकर झूमने लगती है। फिर केरन अपने दांत और जीभ से उसके नाक के साथ खेलने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो यह क्या कर रही है। शायद वह कुत्तों से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। तभी केरन की मां उसे पुकारते हुए कहती है कि डिनर तैयार हो गया है। वो निराश हो जाती है। फिर वह बाथरूम से बाहर निकलती है। डिनर के बाद केरन की माँ उसे पूछती है कि क्या ये ट्रिक्स कर सकता है। वो कहती है माँ ये पपी है, पपी ट्रिक्स नहीं करते। लेकिन अकेले में आकर वो अपने बातों के विपरीत पपी को सामने रख कर उसे बैठने का कमांड करती है। वह सोचता है कि अगर मैं बैठ गया तो उसे वास्तव में लगने लगेगा कि मैं एक डॉग हूँ। थोड़ा और सोचने के बाद वो बैठ जाता है। केरन इसे देखकर काफी खुश हो जाती है। वह उसे फिर से अपने हाथ बढ़ाकर हैंड का कमांड करती है। यह देख वह सोचता है कि इंसानी शरीर में केरन का हाथ पकड़ना उसके लिए एक सपना जैसा था और वह अपना हाथ केरन की ओर बढ़ाता है। केरन इससे काफी खुश हो जाती है और उसका नाम रखते हुए कहती है कि आज से तुम्हारा नाम होगा पोचिटा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पोचिटा वहाँ से भागकर अपने घर जाने की सोचता है ताकि वह यह पता लगा सके कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, पर उसके हाथ डॉल तक नहीं पहुँच पाते। वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी केरन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि वह दरवाजे पर स्क्रैच ना करे। फिर वह उसे गले का पट्टा लगाते हुए कहती है कि आज हम वॉक पर चलेंगे। रास्ते में चलते हुए केरन घूमकर एक बार पोचिटा को देखती है और कहती है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वह अचानक उसे लेकर दौड़ने लगती है। तभी पोचिटा देखता है कि एक बॉल कहीं से केरन की तरफ आ रहा है। वो रुक जाता है जिसकी वजह से केरन उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो केरन के स्कर्ट के अंदर है और उसे वहाँ से कुछ नहीं दिख रहा। वो गलत दिशा से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके गीले नाक केरन को काफी असहज महसूस कराते हैं। फिर वो उसे बैड बॉय कहते हुए वहाँ से बाहर निकालती है और कहती है कि यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। फिर वो उसे नीचे रखती है। वो देखती है कि उसके नाक लाल हो गए हैं। केरन आसपास चारों ओर देखती है और उसके नाक को जीभ से छूने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वहाँ वो बच्चे आ जाते हैं जिनकी बॉल यहाँ आई थी। वो केरन को ऐसा करते देख चौंक जाते हैं। वे उससे डरते हुए बॉल मांगते हैं। केरन फिर से अपना अजीब चेहरा बनाकर उनसे कहती है कि इस पार्क में छोटे डॉग भी घूमते हैं, उन्हें खेलते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। वे बच्चे उससे माफी मांगते हैं और बॉल लेकर घबराते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। पोचिटा महसूस करता है कि केरन इंसानों के बजाय कुत्तों से ही ज्यादा प्यार करती है। तभी पोचिटा को बहुत जोर की सुसु आती है जिसे केरन भाप लेती है। वो उसे एक पोल के पास ले जाती है और उसे पी करने को कहती है। पोचिटा घबरा कर शर्म से लाल हो जाता है। वो पब्लिक में पी करे, वो भी केरन के सामने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसका जमीर उसे इसकी कभी इजाजत नहीं देगा। वो बहुत कठोर बनने की कोशिश करता है लेकिन आखिर में वो बह ही जाता है। उसका पी करता हुआ केरन फोटो लेने लगती है। बेचारा पोचिटा फोटो न लेने की रिक्वेस्ट करता रह जाता है पर केरन नहीं रुकती। घर आकर पोचिटा सोचता है कि पता नहीं वो अपने इंसानी रूप में कब वापस आए, इसीलिए उसे अभी केरन के प्रति अपनी भावनाओं को जाहिर कर देना चाहिए। वो दौड़ते हुए उसके पास जाता है और भौंकते हुए उससे आई लव यू कहता है, पर केरन उसे समझ नहीं पाती। केरन को लगता है कि शायद उसे भूख लग रही है। तभी केरन की एक दोस्त नेकोटोनी वहाँ आती है। वो यहाँ उसके साथ स्टडी करने आई है।
पोचिटा को देखते ही वह घबरा जाती है क्योंकि उसे डॉग से डर लगता है। पोचिटा सोचता है कि कैरेन ने ऐसी बेवकूफ लड़की को अपना दोस्त क्यों बनाया होगा। वास्तव में नेकोटोनी पोचिटा की नेबर है और वह उसे अच्छी तरह से पहचानता है। फिर उसे ख्याल आता है कि नेकोटोनी की मदद से वह यहां से बाहर निकलकर अपने घर पहुंच सकता है। वह प्लान बनाता है कि सबसे पहले वह ऐसी हरकत करेगा कि नेकोटोनी को उससे प्यार हो जाए और वह उसे अपने घर ले जाने पर मजबूर हो जाए, और जब वह उसे अपने घर ले जाएगी तो वहां से भागकर वह अपने घर चला जाएगा। उसका प्लान सेट था। तभी कैरेन की माँ कैरेन को थोड़ी देर के लिए बाहर बुलाती है। यह उसके लिए एक सुनहरा मौका था। कैरेन के बाहर जाते ही पोचिटा नेकोटोनी के पास जाने लगता है। उसे पास आता देख वो बहुत घबराती है और भागकर बेड के कोने में चली जाती है। तभी एक सेंटीपीड वॉल से होते हुए उसके शरीर में आ जाता है। पोचिटा उस सेंटीपीड को देख लेता है और उससे नेकोटोनी को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है। इधर नेकोटोनी भी उससे दूर भागने लगती है कि तभी वो वहाँ गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वो सेंटीपीड उसके कपड़े के अंदर घुस जाता है। उसे निकालने के लिए पोचिटा भी नेकोटोनी के कपड़े के अंदर घुस जाता है। वहाँ पोचिटा से गलती से उसके अंतरंग कपड़े का हुक खुल जाता है, लेकिन वो उस सेंटीपीड को पकड़ने में सक्षम हो जाता है। उसी वक्त नेकोटोनी करवट बदलती है जिससे कि पोचिटा के निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। अब उसे ऊपर के संकरे रास्ते से ही निकलना होगा। वो वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकलता है कि तभी नेकोटोनी जाग जाती है और पोचिटा को अपने पास देखकर वो उसे उछालकर दूर फेंक देती है। इससे पोचिटा को तो कुछ नहीं होता, पर गिरने की वजह से नेकोटोनी के घुटने पर खरोच आई होती है। इसे देखकर पोचिटा को उसके लिए बुरा लगता है और वो अपनी गलती की माफी मांगने हेतु उसके पास जाता है और उसके घाव को चाटने लगता है। नेकोटोनी को इससे काफी गुदगुदी होने लगती है। उसकी इस खुशी को पीछे से कैरेन गुस्से से देख रही होती है। कैरेन को देख नेकोटोनी काफी घबरा जाती है और पोचिटा भी काफी डर जाता है, जैसे उन्होंने कैरेन के साथ चीट किया हो। तभी कैरेन दीवार में अपने पैर को मारती है जिससे कि उसे चोट लग जाती है। फिर वह अपने मोजे उतारते हुए अपने घाव को पोचिटा को दिखाती है और आंखों में आंसू भरकर उसे अपने पास बुलाती है एवं उसके घाव को लीक करने को कहती है। पोचिटा को लगता है कि अगर वह उसके पास नहीं गया तो वह फिर से खुद को हर्ट करेगी। वह उसके पास जाता है और उसके घाव को चाटने लगता है। पोचिटा की जीभ का स्पर्श पाते ही वो काफी अच्छा महसूस करने लगती है और काफी अजीब रिएक्शन भी देती है। नेकोटोनी उसे देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर इसे हो क्या गया है। फिर कैरेन नेकोटोनी के पास जाती है। नेकोटोनी उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर काफी डर जाती है। कैरेन उससे पूछती है कि मेरे गैर मौजूदगी में तुम पोचिटा से क्या कर रही थी। वो कहती है कि वो मेरे ड्रेस के अंदर घुस गया था। इसे सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है वो विश्वास नहीं कर सकती कि उसने पोचिटा को इतनी करीबी से छुआ। ऐसा तो उसने कभी मेरे साथ भी नहीं किया। फिर वह पोचिटा की तरफ मुड़ती है और अपने ड्रेस को उठाते हुए कहती है कि जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। फिर वह पोचिटा के पीछे दौड़ने लगती है। पोचिटा जानबूझकर ऐसी हरकत नहीं कर सकता, इसलिए वह उससे दूर भागता है, पर कैरेन ड्रेस उठाए हुए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। फिर कैरेन बैठ जाती और अपने ड्रेस उठाकर पोचिटा को घर वापस आने को कहती है। इसे देख नेकोटोनी उसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो, पर कैरेन उसे इग्नोर करते हुए फिर पोचिटा को बुलाती है। पोचिटा सोचता है कि जब तक वो उसके ड्रेस के अंदर नहीं जाएगा वो शांत नहीं होने वाली। आखिरकार हार मानकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके कपड़ों के अंदर जाने लगता है। नेकोटोनी को यह सब दिखाते हुए कैरेन कहती है, देख लिया, ये है हमारी बॉन्डिंग, और वो उसके और पोचिटा के बीच कभी नहीं आ सकती। कपड़ों के अंदर से पोचिटा उसे देखता है कि कैरेन बहुत खुश है। नेकोटोनी भी ऊपर से जाग और कहती है कि पता नहीं अभी क्या हुआ, लेकिन उसे यह अच्छा लगा कि कम से कम इससे कैरेन का मूड तो बदल गया। घर जाने से पहले नेकोटोनी पोचिटा के पास आती है और उसे सेंटीपीड से बचाने के लिए थैंक्स कहती है। उसे यह पता चल गया था कि सेंटीपीड से बचाने के लिए ही वो उसके पास आ रहा था। अगले दिन कैरेन कैट का आउटफिट लगाकर पोचिटा से खेलने लगती है। उम्मीद है आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। साइन आउट।